काश मैं भी कभी इन जैसी बन सकूं। नामुमकिन। ये कौन है भाई साहब? ये आपकी बहू है। मुझे नहीं पता कि रंगीन कपड़े और सफेद कपड़े एक साथ नहीं धोते, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। तुम बात किस तरीके से कर रही हो मुझसे? अचानक से तो नहीं सब कुछ सीख जाएगी ना, कुछ वक्त तो लगेगा उसको। पर आप भी बाजुका थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, आपको मुतमईन करना आसान काम नहीं रहता। अगर मैं देख रहा हूँ तुम अपनी बीवी की वकालत में मुझसे खासे बहस करने लगे हो, हैं? अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है ना, जाओ अपनी बीवी को इस घर से ले जाओ और कहीं और जाकर रहो, और वहां 3-4 रॉकर रखना उसकी खिदमत के लिए, ठीक है? या खुद करना काम। नाजी, नूरी कहाँ है? नूरी अपने कमरे में। मैं तुम लोगों के लिए ड्रेसेस लेकर आई हूँ, तुम भी देख लो। नूरी, नूरी। अब जी भाभी, इधर आना जरा। ये देखो, जी? ये देखो, मैं अपने ड्रेसेस तुम लोगों के लिए लाई हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे इसमें से पसंद कर लो और अपने लिए रख लो। ये तो बहुत महंगे ड्रेसेस नहीं है? अब भाभी मैं ये वाला ले लूँ, ये बहुत प्यारा है। हाँ हाँ, ये तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, रख लो। नाजी तुम भी तो देखो ना। हाँ ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, जहर लगोगी ये पहन के। हाँ तुम इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम ये ड्रेस लेना चाहती हो, ये तो मैं ही रखूंगी। अरे ये वाला देखो भाभी। अच्छा दिखाना जरा। हाँ देखो, ये तो बहुत अच्छा ड्रेस है, मुझे लगता है ये तुमसे ज्यादा मुझ पर अच्छा लगेगा, ये मैं रख लेती हूँ। देखो ये जोड़ा पहले मैंने लिया था, मुझे दे दो। क्या फर्क पड़ता है, पहने का तो वो ना जिस पर अच्छा लगेगा, तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम वो ब्लू वाला पहन लो ना। अच्छा फिर एक काम करो, ब्लू वाला तुम रख लो। अच्छा बस अब ये लड़ाई बंद करो, तुम लोगों को जो अच्छा लगे वो तुम लोग रख सकती हो, ठीक है? कोई बात। थैंक यू भाभी। यू वेलकम। मुझे तो दिखाओ वो वाला। हट जाओ एक सेकेंड। आधी हो गई है भाई लालची। पता नहीं बाबा को क्या होता जा रहा है बार बार, कभी तो बहुत प्यार जताते और कभी बिल्कुल खैर बन जाते। मम्मी ने तो कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर अब भाभी क्या हुआ, अकेली क्यों बैठी है? भाईजान किधर है? वो ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं, मैं बोर हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। अरे बोर हो रही थी मुझे बता देती, हम कोई गेम शेम खेल लेते, इवन बेटर फिल्म देख लेते। कौन सी फिल्म देखते? मैंने 2-3 डाउनलोड किए, कोई भी देख लेते। दोनों की इतनी बेतकल्लुफी ठीक नहीं है, मुझे जल्द अज जल्द शहीर की शादी कर देनी चाहिए। चाय घर हमें देख। मैंने तो शहीर से कह दिया है, अम्मी मेरे लिए रिश्ते देख रही हैं, बल्कि रिश्ते वाली से बात कर ली है। क्या पता इसी डर से वो ताया अबू से रिश्ते की बात ही कर ले। बहुत ही बुजदिल लड़का है, अगर इसी तरह शादी के बाद भी रहा नूरी तेरा बड़ा नुकसान होगा। अम्मी एक दफा शादी हो जाने थे, आगे सब कुछ ना मैं खुद देख लूंगी। किसकी शादी की बात हो रही है? बस बेटा जी अल्लाह के करम से सोच रही हूँ कि मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दूँ। फिक्र जहेज की खाई जा रही है, आजकल के जमाने में आसान नहीं है दो बेटियों की शादी इकट्ठे करना। जहेज भी बन जाएगा, लेकिन पहले पता तो चले कि शादी हो किससे रही है। शादी कराने वाली से बात की है बेटा,
रिश्ते वाली सी क्यों? रिश्ते तो घर में ही हैं। घर में? ताया जी के बेटे? उनके बड़े ऊंचे ख्याल आते हैं बेटा, इसीलिए तो आजर की शादी इतने बड़े खानदान में करवाई ना। आप भी किसी गिरे पड़े खानदान से नहीं हैं, और आपका तो उनके साथ खूनी रिश्ता है। ये तुम्हारी सोच है, भाई साहब की नहीं। थोड़ा सी अक्कल लड़ाए आंटी, ताया जी काबू में आ जाएंगे। मैं समझी नहीं बेटा, कैसे? वो मैं आपको वक्त आने पे बता दूंगी, फिलहाल तो खाना लगा, बहुत भूख लग रही है। अम्मी, मुझे लगता है भाभी हमें जहेज देंगी। जाहिर है, इतनी पैसे वाली जोड़ी। भाई मैंने तो सोच लिया है, मैं तो ढेर सारा महंगा वाला जहेज बनवाऊंगी अपने लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा क्या होगा? हाँ नाजी, तेरा भी बंदोबस्त कर दूंगी मैं, कहा था दोनों की शादी साथ में करवा दूंगी। अरे आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आजर ने हानिया को तलाक दे दिया और वो तो शादी के लिए मुझसे मरा जा रहा है ना। तलाक भी दे देगा, तुझसे शादी भी हो जाएगी, बस तू एक हम पे एहसान कर, तू कुछ ना कर, जो भी करना है नूरी और मैंने करना, नूरी तेरे लिए रास्ता बनाएगी। लेकिन कैसे? नूरी हानिया और शहीर के तालुकात को हवा दे, प्लान सारा मेरा होगा, अमल नूरी करेगी। हैं? हैं मैं क्यों करूं आप लोगों की ये फालतू काम? क्यों? तूने शहीर से शादी नहीं करनी? याद रख, मैं नाजी की शादी से पहले तेरी शादी नहीं करूंगी। अम्मी, समझ आई तुझे? अब जा, सुना नहीं, भाभी के लिए खाना लगा। सारे काम मैं ही क्यों करूं? तू भी जा। शादी हो नहीं रही, बस काम करवाए जाए आप। सर, I'm sorry. It's okay. हानिया बाबा ने अपनी सारी जिंदगी हमें पालने में गुजार दी, बाहर के काम, घर के काम, हमारी स्कूलिंग, खाना पीना, सब कुछ उन्होंने संभाला। मम्मी की वफात के बाद उन्होंने ना सिर्फ बाप बल्कि मां का प्यार भी दिया हमें। मम्मी की कमी कभी महसूस होने ही नहीं थी। जब वो पलट कर अपनी जवानी पर नजर डालते होंगे ना, किसी साथी के जिंदगी गुजारना क्या होता है हम जान ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, अपनी जवानी कुर्बान की। जब कोई अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है ना,
किसी साथी के तो शायद वो ऐसा ही हो जाता। सख्त दिल और रसूल पसंद। आया है कि हम अपने बाप की कुर्बानियों का सिला उसे दे सके। अब वक्त आया है कि हम उसकी जवानी उसे लौटा सके, उसके लिए सब कुछ कर सके। तुम मेरे साथ ही हो ना, मेरा साथ दो। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा उनको समझना, इस माहौल को समझना, लेकिन हानिया मेरी बात का यकीन करो, जो भी कहते हैं हमारी बेहतरी के लिए कहते हैं। और सच्ची है कि अगर अगर कभी वो कुछ गलत भी कहे ना तो मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता, मैं उन्हें गलत नहीं कह सकता। इसलिए उनको समझो प्लीज, थोड़ा वक्त दो, मेरा साथ दो प्लीज। आप अच्छी तरह जानते हैं, सीख लेगी कुछ अरसे में, लेकिन आप खुद भी तो सोचिए ना, जिस घर से वो आई है वहां पर तो छोटे से छोटे काम के लिए उन्होंने एक काम वाला रखा हुआ। शानो आज मैं बहुत अफसरदा हूं। आजर ने आज मुझसे बहुत सख्त लहजे में बात की है, याद है कितने नाजों से पाला है हमने उसको, कितने नखरे उठाए उसके, हमारी पहली औलाद। लेकिन आज आजर ने बहुत तकलीफ पहुंचाई है मुझे। हानिया खाना बन गया? जी बस बनने वाला है। क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ, बन गए बस भूनना बाकी है। इसे तो अब कुकिंग भी आ गई है, अम्मी ने कहा था कि इसे कुछ मत सीखने देना, अब क्या होगा मेरा।
क्या बात है, किसका मैसेज है जो इतना मुस्कुराया जा रहा है? आजर का। हमारा आज मूवी का प्लान है, पहुंचने वाले हैं इसलिए कह रहे हैं जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा तो तुम तैयार हो जाओ, मैं कर लेती हूँ ये। अरे नहीं नहीं मैं कर लूंगी। तुम बहुत तकल्लुफ करने लगे हो, मुझे अपना बिल्कुल नहीं समझती ना। ऐसी कोई बात नहीं है नाजी। ऐसी बात नहीं है तो जाकर रेडी हो जाओ और आजर के साथ एंजॉय करो। और इस बात से बेफिक्र रहना, खाना तुमने ही बनाया, मैं रोटियां डाल के भी रख दूंगी। यू आर सो स्वीट नाजी, थैंक यू। मैं फिर चलती हूँ। हाँ अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है आपके बाबा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब अपने मामलात देखो। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम्हें दो चार अल्फाज कह दिए। ऐसी बात नहीं है, हक है आपका मुझ पर, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ और तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं कह सकता, यही कहना चाहते हो ना तुम? नहीं बाबा मेरा मतलब ये नहीं था। मैं सब अच्छी तरह जानता हूँ, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए उस लड़की को इस घर में आए हुए और तुम उसके लिए मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, अपने बाप से जिसने तुम्हें पाल पोस के जवान किया। बाबा मैं आपसे कह रहा था कि खैर मैं इस मामले में कोई बहस नहीं करना चाहता तुमसे। पापा मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मेरा नाम तक लेना गवारा नहीं, और एक मैं हूं अपनी पूरे दिलो जान से उन्हें खुश करने में लगी। आप आ गए आज़र? हाँ आ गया, रात ही वही शिकवे शिकायत है। फिर मैंने तो कोई शिकायत, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, कहा मैंने तुमसे कि तुम शिकायत कर रही हो, लेकिन घर में जैसे ही एंटर हो तो नीचे बाबा जान शिकायत करते हैं और ऊपर आओ तो तुम, सुनने वाला फकत सिर्फ मैं हूं। जिंदगी अजाब हो गई है मेरी। अच्छा आप तो रिलैक्स करें, आप फ्रेश हो जाएं। मैं रिलैक्स्ड हूं लेकिन मैं कहीं जा नहीं सकता। खाना लगा दूं आपके लिए? भूख नहीं है मुझे, सर में शरीर दर्द हो रहा है, कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं मैं, तुम प्लीज जाओ यहां से। फिर मैं मम्मी की तरफ जाऊं? चली जाओ, गाड़ी भी ले जाओ, बस जाओ। फिर तुम भी अजनबी हो गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी आज़र?
बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। तू सच कह रही है नाजी? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ नाजी। ये बहुत अच्छा मौका है, जलती हुई पे तेल छिड़क दो। तुम फिक्र ही मत करो नूरी, एक ही नहीं बल्कि दो की चार लगाऊंगी हानिया के खिलाफ। ऐसे कान भरूंगी कि सोचे तुम्हारे। शाबाश, ये हुई ना बात, अब तो लग रही है रुबीना की बेटी। अच्छा बस बस, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऐसा ना हो बना बनाया काम बिगाड़ दो तुम, वैसे हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। बकवास मत करो तुम ज्यादा, बहुत ज्यादा ही तुम खुद को अक्लमंद समझने लगी हो। हाय क्या हो गया तुम दोनों को? बोलने दे, सुन ही नहीं उसकी बातें। बोलने दे, देखते ही कर क्या कर लेगी। कुछ भी हो बेटा, लेकिन तुम्हें इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था, वो भी किसी को बताए बगैर। मैं क्या करती मामी, बाबा की बातें सुन सुनकर मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। और आप फिक्र ना करें, मैं आज़र को बता कर आई थी, बाबा घर नहीं थे वरना उनको भी बता कर ही आती। हानिया, नई जिंदगी की शुरुआत में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं बेटा, और फिर लड़की के लिए ससुराल का माहौल और वहाँ के लोग अजनबी होते हैं, कुछ वक्त तो चाहिए होता है ना उन्हें समझने के लिए। और फिर जरूरी तो नहीं ना कि हर चीज़ हमारी मर्जी के मुताबिक हो, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। नहीं होता मुझसे बर्दाश्त, बाबा हर वक्त मुझ पे ऑर्डर चलाते हैं, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ कि जिसका बटन दबाया और सारे काम निकलवा लिए। हानिया बेटा प्लीज, जज्बात से नहीं अकल से काम लो, शादी जिंदगी भर का फैसला होता है, निभाना पड़ता है, ऐसे छोटी छोटी बातों पर परेशान होकर घर नहीं छोड़ा जाता। मुझे देख लो, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो 10 लोग थे यहाँ पर, और तुम्हारी दादी कोई भी मुलाजिम रखने के सख्त खिलाफ थी, तुम्हारे बाबा सबसे बड़े थे तो जाहिर है मैं सबसे बड़ी बहू, 10 साल साथ रही हूँ मैं पूरे, जब तक सबकी शादियां नहीं हो गई साथ ही रहते थे हम। दिलों को जीतना मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है, ये मेरा अपना तजुर्बा है। मैं तो यही कहूंगी कि इस वक्त तुमने गलती की है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ये गलती तुम्हारे बाबा या हमाद को पता चले। बेटा मर्द बहुत जज्बाती होते हैं, वो इन मामलात को नहीं समझते, और अब तो वो हमाद का ससुराल भी है, हमें रिश्तों की नजाकतों का ख्याल रखना है। आपको क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? मम्मी मैं अपनी तरफ से हर चीज कर चुकी हूँ, हर कोशिश कर चुकी हूँ उनको खुश करने की, लेकिन उस घर में मुझसे कोई खुश नहीं होता। हानिया इधर आओ, बात सुनो मेरी, इधर आओ, इधर आओ मेरे बेटे, इधर बैठ। बेटा खिदमतें और मोहब्बतें एक दिन जरूर रंग लाती हैं, बस सब्र के साथ थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। बीबी जी आपकी कॉफी। रखो, चलो तुम्हारी कॉफी भी आ गई जनत बीबी, मेरी बेटी के फेवरेट चीज सैंडविचेस बना दें जल्दी से। तुम कॉफी पियो, सैंडविच खाओ और फिर थोड़ी देर आराम करो, ठीक है? शाम को ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ आएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कहती है डस्टिंग कर दी है, हर तरफ मट्टी ही मट्टी है। सारे काम इस घर के मुझे ही करने पड़ते हैं, किसी काम जोगी नहीं है ये हानिया। तौबा तौबा तौबा, इतनी फुहर लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, मजाल है कोई काम ढंग से कर ले। सोचा था घर में बहू आएगी सारे काम संभाल लेगी और मैं आराम करूंगा, नहीं भाई सारे काम तो मुझे ही करने हैं। क्या हुआ भाई साहब, परेशान से लग रहे हैं आप। क्यों भाई, मैं क्यों परेशान होऊंगा? मैंने सोचा हानिया जो चली गई इसलिए। हानिया चली गई? कहाँ चली गई? तो आपको नहीं पता, वो थोड़ी देर पहले निकल कर गई है, बहुत गुस्से में लग रही थी, मैंने पूछा तो झड़क दिया। यानी मुझे बताए बगैर चली गई? वही तो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाभी ये हानिया क्या आपकी तरफ आई है? जी जी, मैं बस आपको कॉल करने ही वाली थी। वो एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई थी अचानक, तो हैदर एक मीटिंग में थे, मैंने घबरा कर हानिया को कॉल कर दी। तो अच्छा, हानिया आपके साथ है? मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी, हम बस अभी वापस आए। तो कम से कम उसको बता के तो जाना चाहिए था ना घर से। वो आप घर पर नहीं थे, आजर को बताकर आई है। भाभी घर का बड़ा मैं हूँ या आजर? खैर, खुदा हाफिज। कमाल है। नाजी, बेटा ये हानिया के सारे काम तू क्यों कर रही है? बेटा अगर हानिया के सारे काम तू करेगी, मुझे समझ नहीं आता वो क्या कर रही है, है? खाना तू पका रही है और वो कहती कि उसने पकाया है। और क्या करूं अम्मी, उस बेचारी को पकाना जो नहीं आता है, और फिर ताया बू उसे डांटते हैं ना, तो मुझे बहुत तरस आता है। लेकिन वो बेचारी कुछ सीख भी तो नहीं रही ना। यहाँ पे तू उसका सारा काम कर रही है, वहां पे वो कमरे में बैठकर फिल्में देखती रहती है, वो इस तरह से कैसे सीखेगी बताओ ना मुझे। ऐसी बात नहीं है अम्मी, वो पकाने की कोशिश करती है लेकिन उससे ना खाना कभी जल जाता है, नमक तेज हो गया, मिर्चें बहुत तेज हो गई, तो वो बहुत डर गई। उसने फिर मुझसे कहा, मेरी मिन्नत की कि तुम खाना बना दिया करो। देख नाजी, कभी कभार अगर उसकी मदद कर दे तो वो ठीक है, लेकिन तू अपने घर का सारा काम छोड़कर यहाँ आ जाती, चल वो भी ठीक है, लेकिन बात तो ये है कि जिस दिन भाई साहब ने उसको पकड़ा उसको तो डांट पड़ेगी, लेकिन तेरा नाम भी तो जाएगा, तेरी खैर नहीं है। नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो मुझे बुलाती ही तब है जब ताया अबू घर से बाहर जाते हैं। ये गलत बात है ना, भाई साहब के साथ उनकी बहू का कर रही है, तू क्यों? बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल अब जल्दी से कर आजा वरना वो पकड़ी जाएगी ना। अच्छा ठीक है, तौबा, हमसे भी गलत काम करवा रही है, चल बेटा चल। यानी खाना पकाना नाजी कर रही है और हानिया मुझे धोखा दे रही है। ये हानिया तो बहुत तेज निकली। खाना बना लिया साथ? चाय बना ली तू, इससे पहले क्या मेरा चाय? नोशी, तो यहाँ हैं आप? पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, नोशी मिल नहीं रही। हाँ वो मैं चाय बना रही थी तुम्हारे लिए, तुम फ्रेश हो जाओ मैं ले आती हूँ, या फिर भूख लगी है तो खाना लगा देती हूँ। आलू मटर और कीमा बनाना। ये सारा दिन तुम घर के काम क्यों करती रहती हो? इसलिए लेकर आया हूँ तुम्हें यहाँ पे, तुम्हारे इन कामों की वजह से ना नूरी और नाजी कायल हो जाएंगी। क्या कर सकती हूँ मैं, सारा दिन नाजी और नूरी तो ताया अबू के घर होते हैं।
और इस वजह से फिर अम्मी घर के कामों में लग जाती है, और मेरी वजह से अम्मी घर के काम करें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो ये सब कुछ हो रहा है यहाँ, ठीक है, देखना तुम आज कैसे इन दोनों के दिमाग को ठीक करता हूँ। नहीं नहीं आमिर प्लीज प्लीज कुछ मत कहना, देखो बेटियां तो घर में रहमत होती हैं, अब वो जैसे रहना चाहते हैं उनकी मर्जी है, बस वो खुश रहें, और रहना तो मुझे ही है ना इस घर में आखिर, तो इस घर की सारी जिम्मेदारी भी मेरी है, मैं कर लूँ। कितने बड़े दिल की मालिक हो ना तुम, कितनी अच्छी हो, सबका कितना ख्याल है तुम्हें। हाँ मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी लड़की मुझे मिल जाएगी। ठीक है अंकुल चाय बनाओ और फिर तैयार हो जाओ, फिर हम आज बाहर जाके डिनर करेंगे। हद कर दी इस लड़की ने, कोई तमीज कोई तरीका ही नहीं है, बस मुंह उठाया और बगैर बताए निकल गई घर से। बाबा मुझे बताकर गई है वो। इस घर का सरपरस्त तुम हो या मैं? अरे आज तक हानिया को खाना बनाना तक नहीं आया, आजकल तो छोटी छोटी बच्चियां नेट से खाना पकाना सीख रही हैं। पकाती तो है खाना वो बाबा। खाना नहीं बनाती वो, बल्कि वो हम सबको बेवकूफ बनाती है। क्या मतलब? वो सारे खाने नाजी से पकवाती है, मेरी गैर मौजूदगी में बड़ी प्लानिंग से नाजी से पूरे खाने बनवा लिए और फिर हमारे सामने पेश कर दिया कि ये मैंने बनाया है। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? तुम्हें कहां यकीन आएगा, क्योंकि वो तो तुम्हारी चहेती बीवी है। अरे मैंने अपने कानों से सुनी है ये सारी बातें। एक बात मैं तुम्हें बता दूंगा सर, हानिया को अपने आप को दुरुस्त करना होगा, वरना इस घर का शिराजा बिखर जाएगा। धोती है बदतमीजी की है तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही, यार जरा सोचो, इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं समझी, आए इत्तला दी और चल दिए। गए कहां हैं ये दोनों? कहां गए होंगे, नई नई शादी है तो जाहिर है खाने पर ही गए होंगे ना। हाँ साथ में इत्तला दे दी कि खाने के लिए इंतजार मत करना। इन लोगों के तो बड़े ऐश हैं भाई, जब मर्जी आए मुंह उठा के कहीं भी चले गए। और एक हम है, इजाजत लेके भी कहीं नहीं जा सकते भाई। जी जी बिल्कुल, वक्त बेवक्त लड़कियों को बाहर जाने की इजाजत दे दू, जबकि घर पे मौजूद नहीं है बाप तेरा है। खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए, ताया बाप दोनों मेरे गले पड़ेंगे ना। अम्मी अम्मी क्या है तेरे ड्रामे लिए, खत्म करो जल्दी आए शहीर और हानिया, जल्दी करें। क्या वो देखे? आप अकेली क्यों चली गई? मुझे बता देती, कोई मसला थोड़ी था, ऑफिस जाते हुए ड्रॉप कर देता। बस शहीर अचानक से कॉल आ गई थी तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, मम्मी की तबीयत खराब थी ना इसलिए। आंटी की अब कैसी है? अब अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तबीयत बेहतर है तो आप अभी भी परेशान क्यों? नहीं तो तुम तो बस ऐसे ही वहम करते रहते हो। पता नहीं वहम है या हकीकत, लेकिन मुझे लग रहा है मुझसे कुछ छुपा रही है। कुछ नहीं छुपा रही शहीद, तुम्हारी तो आदत है बस हर चीज की खोज में लग जाते हो, कहा ना कोई बात नहीं है। चलो ना अंदर। भाभी अगर ऐसा नहीं है तो मुझे नजरें क्यों चुरा रही, बताइए क्या बात, बताइए ना भाभी।
भाभी बता रही हैं कि नहीं? हाय भाई साहब, भाभी और देवर का बड़ा नाजुक रिश्ता होता है और हानिया तो जरा जरूरत से ज्यादा फ्री हो रही है शहीद के साथ। नूरा ना मनाइएगा भाई साहब, लेकिन इस वक्त शहीद के साथ बाइक पे बैठकर इतनी बेतकल्लुफी से अपना हाथ उसकी कमर में डालकर मैंने देखा, मोहल्ले वालों ने देखा, न जाने वो क्या सोचते होंगे। समझाना चाहिए ना आपको उसे। शहीद!